If you've passed, congratulations and savor the moment. सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, कुछ तो आज से लोग भगवान में विश्वास हो जाएगा और कुछ लोगों का उठ जाएगा। अभी सीए फाइनल का रिजल्ट आया है और काफी सारे जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनकी फीलिंग भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी निधा पांसरे जी की एक नजर है कि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप खुद को ही बदल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। I mean, अभी जैसे सीए फाइनल का रिजल्ट आया तो इट्स बीन 19 इयर्स सिंस 2005 जनवरी जब मैंने अपना सीए का रिजल्ट आया था। बिलीव मी, गूज़बम्प्स वैसे भी आज भी आते हैं जब सीए फाइनल का रिजल्ट अनाउंस होता है, जैसे मेरे पास होता था 19 इयर्स में। एंड टू दोस हु हैव क्लियर सीए फाइनल एंड हैव बिकम सीए और हैव क्लियर एटलीस्ट वन ग्रुप्स, कांग्रेचुलेशंस। कुछ तो आज से लोग भगवान में विश्वास हो जाएगा और कुछ लोगों का उठ जाएगा, ये अनएंडिंग लूप है एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एवरी टाइम जब सीए का रिजल्ट आता है। To those who have not cleared CA exams, they may not be watching this video because they might have got into a shell, closing doors and shutting themselves from the world. So, ek cheez samjhiye ki there are a lot of students who are CA final students or CAs who undertake the financial modeling and valuation program from us, and we experience the same emotions in our training also. In our training group, jab CA ka result aata hai, when passing the CA exam often brings a sense of relief and accomplishments and joy. It validates ki bande pe dam hai. He or she has gone through that trial by fire, and remember, the finest of steel has to pass through the toughest of iron. And shayad isiliye CA ki degree mein itni purity and sanctity hai, because once you are a CA, you are a CA for life. A stamp of your hard work, dedication and perseverance that you have put into your studies. Aur agar results negative side pe aata hai, to that feeling of desperation, hopelessness and good for nothing creeps in. Can be disappointing and disheartening at the same time. लेकिन एक चीज माइंड में रखिए कि पासिंग एन एग्जाम डस नॉट डिफाइन योर वर्थ और योर कैपेबिलिटीज। देयर आर मेनी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हु हैव ऑफन फेस्ड सेटबैक्स इन देयर एकेडमिक जर्नी, एंड वी इन द वॉल स्ट्रीट स्कूल हैव हैड सो मेनी सक्सेस स्टोरीज ऑफ सो मेनी सीए ड्रॉपआउट्स एंड मल्टी अटेम्प्ट सीएस हु आर डूइंग एक्सेप्शनल फॉर देमसेल्व्स नाउ पोस्ट ट्रेनिंग एंड देन देयर सब्सिक्वेंट प्लेसमेंट्स। इफ यू पास्ड, congratulations and savor the moment. Take a moment to celebrate your achievement and acknowledge the efforts you have put in. And agar aapne CA kiya, to ek validation hai for the rest of your life that there has been a triumph of human spirit, kyunki aise hi koi CA nahi ban jata. आप जॉब मार्केट में भी जाते हैं सीए का स्टैंप हो, इट्स जस्ट नॉट अ डिग्री ऑन योर सीवी बट एन अफर्मेशन दैट द पर्सन हैज वर्क्ड हार्ड एंड हैज ग्राइंडेड हिमसेल्फ फॉर हर्सेल्फ, एंड इफ द रिजल्ट्स आर नॉट what you had hoped for, it's okay to feel disappointed, but let you try not to be hard on yourself here. Regardless of the outcome, remember that CA journey is challenging and setbacks are part of the learning process. जो first time में निकल जाते हैं, ठीक है। I mean, most of the aspirants, हमें पता है कि हर कोई नहीं निकल पाता है। और CA अगर इस attempt में नहीं निकला है, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं पर आपकी साधना या तपस्या का फल आगे मिलना pending है। या शायद अपने आप में आपको और रेजिलियंस अभी आपको अपने अंदर इनकैप्सुलेट करना है। इन माय लास्ट 19 इयर्स ऑफ माय जर्नी इन द कॉर्पोरेट एंड देन माय ओन वेंचर, आई मीन आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड व्हेन आई हैव बीन डाउन आई हैव फॉलन बैक ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलियंस ड्यूरिंग माय सीए डेज एंड सीए स्टडी ग्राइंड। एंड इन 2005 जनवरी में जब मैंने क्लियर किया था, तब तो प्लान कुछ भी नहीं था यार, मतलब या तो सीए करो या सीए ना करो, और नहीं हुआ तो फिर से करो। बट अब तो इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, ACCA है, CMA है, FRM है, CFA की डिग्री है, एंड कंपनीज नाउअडेज आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हुनर एंड द स्किल्स देन एक्चुअली द डिग्रीज। एंड डू चेक आउट द प्लेसमेंट पेज ऑन द वॉल स्ट्रीट स्कूल वेबसाइट एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर ईदर सीए फाइनल स्टूडेंट्स और सीए हिमसेल्फ्स। सो दोस हु डिड नॉट क्लियर, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। And those who have cleared their chartered accountancy, just be sure of the profile you want to get into. आपको audit में जाना है, tax में जाना है, या accounts में जाना है, या finance में जाना है। जब आपने 10th clear किया था, तो आपने एक decision लिया था कि आपको medical field में जाना है, या non-medical field में जाना है, या commerce field में जाना है, या arts लेना है। और आपने उस time पर जो decision लिया था, that has defined your journey so far. ठीक है? उसी तरह से, अगर अभी आप CA बन चुके हैं, तो आपको अब decide करना है कि आपको किस domain के अंदर जाना है, right? तो because this decision today is going to define your onwards journey, maybe for the rest of your professional career also. क्योंकि एक बार runway सही मिल जाता है, तो उड़ान बढ़िया होती है। और जिनका नहीं निकला है, ये disappointment है। आप अपने आप अंदर ये रखिए कि मैंने लहू के कतरे इस मिट्टी में पिरोए हैं, खुशबू जहाँ भी है, मेरी
कर्जदार है। ऐ वक्त होगा तेरा मेरा जिस दिन भी हिसाब किताब, मेरी जीत तुझ पर उधार है। और हमने तो वॉल स्ट्रीट स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सीए इंटर हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं और बहुत अच्छा करें अपने करियर में। और आगे चल के वी आर गोइंग टू शेयर सम सक्सेस स्टोरीज ऑफ मेनी ऑफ दोस स्टूडेंट्स विद यू, सो दैट यू कैन सी देम एक्सपीरियंस देम लाइफ इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वर डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड एंड व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ एक्सेप्शनल फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो नीम स्ट्रांग है मेहनत करने की, और कहीं ना कहीं पर अगर वैलिडेशन सीए की डिग्री से नहीं आती है, अंदर तो कुछ हो रहा है, तो अपने पर विश्वास रखिए, एफर्ट कीजिए and always have a plan B in place. For more details, visit www.thewallstreetschool.com or call us at 9953729651. Thank you.